हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डेलेट का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई को कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। सार्थक ध्वनि से मिलकर वर्ण का निर्माण होता है और इन वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन दोनों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यही वर्ण जब एक समूह में बंध जाते हैं तो सार्थक हो जाते हैं और यह सार्थक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वासे वट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वा जो है ये दांत से बोला जाता है, दांत, वा वा। इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। इस वर्ग की ध्वनियां हैं छोटा, बड़ा, का, वा, ग, घ, ड। तो ये जो आपकी ध्वनियां हैं ये दांत से नहीं बोला जाएगा, ये कंठ से बोला जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राइट आंसर हो जाएगा कंठ से। लड़का का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो लड़का का भाववाचक शब्द होता है लड़कपन। ये आपको ध्यान में रखना है, लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन है। अगम का विलोम शब्द पूछा गया था, तो अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। उज्ज्वल का उपसर्ग क्या होगा? तो उज्ज्वल का उपसर्ग होता है उत। इस प्रकार से हलंत लगाया जाता है उत। उज्ज्वल शब्द का उत उपसर्ग के योग से बना है। मूल रूप से संस्कृत में उत नहीं बल्कि उद उपसर्ग है। तो अगर पूछा जाए कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में हो जाएगी व्यंजन संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की जो गहरी झील है वो कौन सी? तो विश्व की गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि कैस्पियन का पानी जो है वो खारा, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील भी है। अगर बर्फ में जमे हुए पानी और ज़मीन के अंदर बंद हुए पानी को अलग छोड़ दिया जाए तो दुनिया की सतह पर मौजूद 20% मीठा पानी इसी की झील में समाया हुआ है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में रूस के 2 राज्यों इरकुत्स और ओलास्त और बुरात राज्य गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भारत में पहला परमाणु का परीक्षण कहाँ हुआ? तो भारत में पहला परमाणु का परीक्षण राजस्थान में हुआ था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोना में मिलावट। तो सोना में जो मिलावट होता है तांबा और सोना, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर इसका रंग बदलकर हरा हो जाता है तो सोना नकली है, असली सोना रंग नहीं बदलता है। हालांकि इस टेस्ट में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एसिड से आपको नुकसान भी हो सकता है। पसीने के संपर्क में आने पर अगर सोना सिक्के की तरह दुर्गंध दे तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थल का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थल का विलोम शब्द होता है जल। कमल नयन में कौन सा अलंकार? तो कमल नयन में हो जाएगा रूपक अलंकार। कमल नयन में रूपक अलंकार है, क्योंकि नयन पर कमल का आरोप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटौरी। पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के अलावा सबसे निकटतम सितारा भी है। अल्फा सेंटौरी दूसरा सबसे निकटतम सितारा है, जो पृथ्वी से 4.30 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंटौरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी के नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया
कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1600 ईस्वी वर्ष में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। 1858 में इसका विलय हो गया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी में जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का गुणनफल, तो F=ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। सिनोनिम पूछा गया क्वेश्चन का, सिनोनिम का तो आरसी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पंचानन शब्द में कौन सा समास होगा? तो पंचानन में शब्द समास होता है बहुपरी समास। पंचानन में बहुपरी समास है, शेष विकल्प गलत है। पंचानन का समास बिगड़े करने पर पांच हैं आनंद जिसके, अर्थात शंकर भगवान। अंगल वर्षा क्यों होती है? तो अंगल वर्षा कारखानों से SO2 और NO2 के कारण। अंगलीय वर्षा एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अंगलीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जो जहर है पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहा मारने का जहर जो है, इस विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था बॉक्साइट का अयस्क रूप पूछा गया था। तो बॉक्साइट एलुमिनियम का एक अयस्क है। यह विश्व में एलुमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें बॉक्साइट AlOH3 बोमाइट था, डायस्पियर अर्थात दो लोहे के ऑक्साइड, गोथाइट एवं हेमाटाइट और एनाटेज की अल्प मात्रा मिश्रित होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली जो समांतर सरकार बलिया और पटना बनी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लीजिए आप लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? पहला क्वेश्चन था बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो बिहार में 1857 की क्रांति जो है देवधर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते थे और इस जुर्म के लिए इन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती थी और इस तरह बिहार में क्रांति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मातालंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद में सबसे ज़्यादा इन गैसों से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दीप्तमान लैंप या फिलामेंट बल्ब, एक दीप्तमान लैंप अनिवार्य रूप से एक खाली ग्लास बल्ब में रखे गए उच्च प्रतिरोध धातु के एक महीन तार के होते हैं और इसके माध्यम से धारा के पारित होने से चमक को गर्म किया जाता है। 1879 में एडिसन द्वारा पहली बार व्यावसायिक रूप से इस तरह के लैंप का उत्पादन किया गया था जिसमें
कार्बोनेटेड पेपर के फिलामेंट थे जिन्हें बाद में कार्बोनेटेड वास से बदल दिया गया था, उन्हें प्रतिरूपता के ऋणात्मक तापमान गुणांक का नुकसान था। इन सभी लैंपों को टंगस्टन लैंप से हटा दिया गया था जो लगभग 1937 में व्यवहारिक रूप से उत्पादित किए गए थे। टंगस्टन की श्रेष्ठता मुख्य रूप से फिलामेंट के अनुचित वाष्पीकरण के बिना उच्च परिचालन तापमान का सामना करने की क्षमता में निहित है। उच्च कार्य तापमान की आवश्यकता इस तथ्य के कारण ही दृश्य विकिरण की मात्रा तापमान के साथ बढ़ती है, और इसी तरह चमकदार स्रोत की विकिरण दक्षता भी होती है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, आपको ध्यान रखें 3655 डिग्री के होता है, जबकि ऑस्मियम का 2972 डिग्री के और टैटलम का गलनांक 3172 डिग्री के होता है। दरअसल कार्बन का गलनांक टंगस्टन की तुलना से अधिक होता है, लेकिन इस तापमान से अधिक तेजी से वाष्पीकरण के कारण इसका ऑपरेटिंग तापमान लगभग 20-73 डिग्री के तक सीमित होता है। कृत्रिम लैंप के फिलामेंट के लिए आदर्श सामग्री वह जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं, कौन कौन से गुण हैं देख लीजिए आप। एक उच्च पिघलने और इसके संचारित तापमान, दूसरा है एक निम्न वाष्प दबाव, तीसरा है एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न तापमान गुणांक, चौथा है तन्यता, और पांचवा है कंपन को झेलने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 के प्रथम गुणजों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने संबंधित है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसे संबंधित, ऊर्जा के नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, CaCu से बड़ा होता है जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में व्यय होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में व्यय होता है, अतः Cp और Cu से बड़ा होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। उत्पादन का अर्थ, मनुष्य केवल वस्तु का रूप बदलकर या अन्य किसी तरीके से वस्तु का उपभोग योग्य बना सकता है। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल आदि उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन लगाते हैं, वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्रियाविधि उदाहरण अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, कौसा परिवर्तन प्रक्रिया रोकने के उपाय। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की बनी न्यू वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन जब हम पुरानी लोहे की वस्तुओं को देखते हैं तो उसका रंग कुछ काला लाल हो जाता है, ऐसा संचारण के कारण होता है, अर्थात जब लोहा वायुमंडल ऑक्सीजन और नमी पानी के संपर्क में आता तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है और लोहे का क्षय होने लगता है, और इसी कारण इसका रंग भी बदल जाता है, इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द होता है सर्वज्ञ, अर्थात जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। KMnO4 में मैग्नीज संख्या क्या है, तो KMnO4 में मैग्नीज संख्या है +7। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोशी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CnH2n+2। तो ये तो हो गया आपके सेकेंड स्टेप के क्वेश्चन, ठीक है।